बिहार के पूर्वी चंपारण में बुधवार को छापेमारी करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस को हाथ में लाठी डंडा लिए ग्रामीणों ने रोड़ेबाजी करते हुए खदेड़ दिया। घटना जिले के जिला थाना क्षेत्र के जोल गांव पंचायत के भारत नेपाल सीमा स्थित बरैला गांव की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जितना थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से अवैध शराब की बड़ी खेप भारत के बिहार लाई गई है और शराब तस्करी की सूचना पाकर पुलिस छापेमारी करने के लिए बरैला गांव पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही शराब तस्करों को संरक्षण देने वाले ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान ताज्जुब की बात तो ये रही कि पुलिस पर हमला की सूचना पाकर भी एसएसबी बीच बचाव के लिए मौके पर नहीं पहुंचे। ऐसे में पुलिस वालों को भागकर किसी तरह जान बचानी पड़ी और इधर मौके का फायदा उठाकर शराब तस्कर भी फरार हो गए। इस दौरान पुलिस की गाड़ी भी गांव में ही छूट गई, जिसे एसएसबी ने अपने कब्जे में लेकर जितना थाना के हवाले कर दिया। दरअसल रोडेबाजी की इस घटना में दो पुलिस जवानों के घायल होने की सूचना भी सामने आई है, हालांकि फिलहाल दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना बुधवार की सुबह करीब 9:30 बजे की है और इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और राज्य में शराब पीना, पिलाना और बेचना अपराध है। इसके बावजूद शराब तस्कर मानने को तैयार नहीं है। खासकर बॉर्डर इलाके में आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। तू फार कर लगा रे।